खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति सुबंधु बहनों और भाइयों, आज दूसरा दिन है जब हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनका जन्म दिन में की खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी है, वो संसार के अंदर आए, उन्होंने वह मार्ग दिखलाया जो कि लाखों वर्ष ज़्यादा था और हजारों वर्षों में से लुप्त हो चुका था। धर्म इसी के आधार पर है, उसके बगैर तो धर्म नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। कारण ये जो योग मार्ग है ना, ये राजयोग और हठ योग, इसके दो पहलू हैं। जैसे हमारे एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों के साथ इन दो योग के पहलुओं का संबंध है। अगर शरीर ना हो तो अंतःकरण जो हमारे अंदर है, सूक्ष्म है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अंतःकरण ना हो तो शरीर एक मूर्ति ही है और कुछ नहीं है। तो ऋषियों ने ये दो शिक्षा दी कि आप ये दोनों शरीर जो हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये संसार में काम करते रहें, अपना धर्म पालन करते रहें और जीवन के लक्ष्य तक पहुँचे। ये जो प्रभु जी ने एक विलक्षण चीज जो थी पहले लेकिन भूल चुके थे, वो संसार को थी, और आज उनका संदेश जो कि सच्चा संदेश है, सच्चाई है, सच्चाई तो सब जगह स्वीकार की जाती है, तो अब जो उनका संदेश सारे संसार के अंदर स्वीकार किया जा रहा है और हठ योग को लोग अपना रहे हैं और साथ ध्यान योग को भी राजयोगी अपना रहे हैं। देखते हैं ध्यान में लोग बैठते हैं, बड़े बड़े कैंप लगते हैं ध्यान के, बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ योग के साधन सिखलाए जाते हैं। ये प्रभु जी का कार्य जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम प्रभु जी के जन्मदिन पर उनको याद करते हैं, परंतु भगवान आए, समय समय पर आए, महापुरुष आए, उनको उनकी अनुयायी याद करते हैं, जन्म मनाते हैं, महापुरुष जन्म मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, वो आए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो किस काम के लिए आए। तो अगर वो देख रहे हों तो उनको निराशा होगी कि हम क्या इसलिए आए थे कि हम लोग याद करें, हम आए थे कि हमारे कार्य को अपनाएं। प्रभु जी का जब जन्मदिन मनाते हैं तो जब प्रभु जी की मूर्ति हमारे सामने है, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, प्रभु जी का जीवन हमारे सामने, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट रहना चाहिए कि प्रभु जी संसार के अंदर आए तो उनके अंदर क्या भावना थी और किस भावना से प्रेरित होगा, उन्होंने क्या किया और क्या उन्होंने अपने हर प्रकार के दुख सुख सहन किए और कहाँ उन्होंने ये कार्य आरंभ किया, और वह कार्य बढ़ तो रहा है पर जब तक प्रभु जी के उस जीवन को याद ना करेंगे, हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी।
प्रभु जी बचपन में थे तो एक ही थी बात उनके सामने, उनकी संस्कृति थी, सभ्यता थी कि वो कहाँ ऋषि और कहाँ ये गुलाम देश विदेशी रंग में रंगा हुआ। हर प्रकार से पद ग्रस्त प्रभु जी के आने से पहले 600 साल तक जो विदेश गुलाम रहा उनकी हालत बिगड़ चुकी थी, तो उसको पुनर्शक्तिशाली करने के लिए उनके अंदर एक उमंग थी, लगन थी, परंतु लगन कैसे हो, जिस चीज द्वारा शक्ति आनी थी वो शक्ति तो एक का नाम भी नहीं था। ऋषियों की वो जो संदेश था वो तो भूल चुके थे। प्रभु जी ने कहा पहले तुम्हें जान अपने वो शिक्षा प्राप्त करूंगा जिस शिक्षा को हमारे ऋषि लोग दे रहे थे, तो कहाँ से करूँ, गुरु की खोज में उस ज्ञान को, उस गुरु को ढूंढूंगा। घर से निकल गए, बावजूद बहुत रुकावटें कभी घर से चले गए, घर वाले ढूंढते रहे लेकिन वो मिले नहीं, वर्षों तक घूमते रहे कि हमें वो ऐसा कोई गुरु मिले जो हमें बतलाया कि ऋषियों की विद्या क्या थी, जिस द्वारा भारत वो देश था जहाँ पर लोग शिक्षा लेने आते थे, बाहर की दुनिया के लोग आते थे शिक्षा लेने कि वहाँ पर से हमें कोई ज्ञान मिलेगा। ये इतिहास साक्षी है, इसमें बतलाने की जरूरत नहीं है। आचार विचार व्यवहार की शिक्षा लेने आते थे कि वो लोग कैसी हैं, जहाँ पर न चोरी है न चकारी है, यही इतिहास कहता है। इस देश के अंदर कई ताले नहीं लगाए जाते थे, इस देश के अंदर जो भी आता था कुछ ज्ञान लेके जाता था, तो कि वो देश और आज देश क्या फर्क है, आसमान से जमीन पर गिर चुका है। तो वो जो चीज थी ऋषियों की गुरु से मिलेगी, वो शक्ति गुरु से मिलेगी। किसी चीज को करना हो उसके लिए शक्ति चाहिए, बड़ी लगन के साथ गुरु के पास की, ये है उनका जीवन, हमारे समझना चाहिए। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो महापुरुषों के नक्शे कदम पर चले, नहीं तो नहीं बनेंगे। आज अगर संसार में भटका रहा है, हम भटके हुए हैं, क्यों, हमारे सामने जो नक्शे हैं वो और ही हैं। अगर हमने जीवन व्यतीत करना है तो हमारे सामने वो दृश्य होना चाहिए जो प्रभु जी के जीवन से मिलता है। कितने संकट सहन करके वो अपने गुरु जी के पास पहुंचे और उनसे वो शक्ति प्राप्त की जिसे योग की शक्ति कहते हैं। योग से बड़ा कोई बल नहीं, नास्ति योगात् परम बलम, योग पावर इज सुप्रीम, ये हमारे लिखा हुआ टमाटो में, वो सुप्रीम शक्ति उन्होंने वहां से प्राप्त की जो कि एक संकल्प से संसार को हिला सकती है, वो शक्ति प्राप्त की और गुरु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से लाए। ये पहली जो शिक्षा है उनके जीवन से मिलती है, याद रखना चाहिए। आज हम पाठ कर रहे हैं उनके जीवन का ही पाठ कर रहे हैं, किस तरह धीरे 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 उन्होंने वो अपने जीवन व्यतीत किया, बचपन और जवानी और शक्ति लेके आए और आकर इस रेगिस्तान के अंदर आए तो क्या
मनुष्य को आराम मिलेगा। उस भूली हुई सभ्यता के और उस गुलामी की सभ्यता के अंदर जब पहुंचे तो क्या उन्हें आराम मिला? उन्होंने उस संकीर्ण जीवन के साथ संघर्ष किया करके धीरे 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 ऋषियों का संदेश जनता तक पहुंचाया। एक दो चार करते करते वो संदेश पहुंचाया। वो जिन हालात में से गुजरे हैं प्रभु जी, वो आपकी रामायण के अंदर है। पढ़े अगर हमारे सामने वो मॉडल है उनके जीवन का, अगर हमने कुछ बनना है तो उनकी मॉडल सामने रखें। आज जो हमारे सामने मॉडल है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमें दुर्बल से और दुर्बलता की ओर ले जाएगा। प्रभु ने संघर्ष किया धर्म के फैलाने के लिए, वो महाप्रभु जी के संदेश को फैलाने के लिए, ऋषियों के संदेश योग को फैलाने के लिए करते चले धीरे 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 धीरे। उनके एक शिष्य मेरे स्वामी मुल्खराज जी, मैं उनका शिष्य हूँ, हमने देखा है वो किस तरह भूखे रहकर योग फैलाते थे। कहा था ये हाथ किसी गाली पे सारा, मैं कहना ऐसा करो ऐसा मत करो, कहीं से लेना कुछ। और प्रभु जी ने जो कुछ किया अपने पास से किया और योग का भी फैलाते रहे फैलाते रहे। जब आजादी मिली हिंदुस्तान को, हमने रामायण लिखा है, ये आजादी उनके संकल्प से मिली जो संकल्प लेकर आए थे महापुरुष से। जब उन जलियांवाला बाग का देखा हाल, उनके तड़प वाले, एक तो सभ्यता गिर चुकी है, ऋषियों के वो ज्ञान भूल चुके हैं, लेकिन उसके साथ दुख भी सहन कर रहे हैं, मर रहे हैं, पशुओं की तरह मारा जा रहा है देश को। बस पर शक्ति लाए थे मैं फिर से संकल्प शक्ति से मदद की देश को, देश स्वतंत्र हो गया। परंतु योग खिलाना फिर भी मुश्किल, लोगों के विचार बदल चुके थे। प्रभु लाहौर गए, अमृतसर के अंदर एक आश्रम क्या खोलना था, एक कमरे के अंदर बैठ के सिखलाने लगे। लाहौर आए, लाहौर को सिखलाने लगे और अपने एक शिष्य का, हम कुछ लाए थे देना चाहते थे, ये कोई अधिकारी है लोग जिनके दिमाग, जिनके भावना, जिनके मन, जिनके रहन-सहन ऐसे बदल चुके हैं, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, हम तो देने लगे। अगर हम मेरे पास एक रुपया था एक कौड़ी भी दे सकते, इतना बड़ा योग लाए थे, सिद्धियां पूरी सिद्धियां। उस संकट की हालत में धीरे 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 आज लगभग 100 वर्ष हो चुका है और 100 वर्षों के अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आज वो ऋषि संतान भारत की उस मार्ग पर चल रही है? और गिर गई है, और गिर गई है। स्वामी मारे कहते थे, भाई देखो मन को प्रसन्न करने के लिए मन के अंदर एक नशा भरो, भक्ति एक नशा है, योग एक नशा है। आज कहते नहीं, हमें दूसरा नशा चाहिए, ये कौन करेगा, थोड़े से नशा चल जाता है। आज वो बन चुके हैं, क्या इसको परिवर्तन किया जा सकता? बढ़ रहे है, बढ़ रहे है। वो नशा जो होता है वो कभी भी उतरता नहीं, कहते हैं ये नशा जो है ये दिन रात का नशा दिन को उतर जाता है और आदमी को बेहाल कर देता है। आज ये हालत है,
इस हाल में क्या कुछ हो सकेगा। परंतु ये प्रभु जी को याद करें, स्वामी जी को याद करें, जिन हालात में उन्होंने किया उस हालात में हमें करना होगा, एक पूरा संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष कामयाब भी हो रहे हैं। धीरे 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 हमारे सन्मुखी में आज से 60 वर्ष पहले जब मैंने यहां आया था, मैं तो सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफर हो गया, परंतु जब थोड़ा सा भी काम किया, 4-5-10 आदमी आते थे मेरी जिसकी सीखने, आज संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो मैं निराश होने की बात नहीं है, एक 50-60 साल के अंदर इतना हो चुका, तो ये जो परिवर्तन होता है ये सदियों का काम है, वर्षों का काम नहीं है, और होगा, धीरे धीरे होगा। हमें करना है प्रभु जी के जीवन को याद करें, अपने गुरु महाराज के जीवन को याद करते हैं, कहते थे घबराओ मत, और तो कहते बहादुर बनो, वीर बनो, षट भुजा बनो, सहस्र भुजा बनो, ताकि कोई अशोकी एक नहीं हो, तुम्हारे अंदर 100 बाजू वाले देवी की शक्ति है, करते थे। तो करना है, तो ये जन्मदिन मनाने का मतलब है कि हम उनके नक्शे को बदलें। जब तक उनका नक्शा, उनका तस्वीर नहीं, तस्वीर तो मंदिर में पड़ी है, लेकिन याद तो नहीं करता। आज राम को पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन उनके जीवन को याद करता कि इस हालत में राम ने जीवन व्यतीत किया, और आज उनकी पूजा तो होती है, लेकिन उनके जीवन को नहीं देखता। मर्यादा पुरुष तुम कह देते हैं, पर हम क्या मर्यादाओं पर चल रहे हैं? सारी मर्यादाओं को ताक रख दिया। कृष्ण की नीति, कृष्ण की बहादुरी, कृष्ण की और जो गुण है जो गीता के अंदर, क्या उनको भी याद किया? कृष्ण की मूर्तियां, हाँ ये करते हैं कि कृष्ण गोपियां हैं, नाचते हम ही नाचेंगे, ये आ जाए। तो प्रभु जी का हमने ये नहीं करना कि उनकी चित्र हमारे सामने आरती उतारे, ये तुम्हारा काम है। आरती उतारनी एक हमारा आदर है जो प्रभु जी प्रदान करते हैं कि आप संसार के, पर केवल आदर से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा हम उनके जीवन के अनुसार अपने जीवन बनाए, हर कठिनाई के अंदर उनका वो धर्म आगे प्रचार करें, तो हमारा जीवन भी सुधरता है, उनका जीवन भी सुधरता है। ये है आज इनके जीवन पर संदेश कि हम उनके जीवन के पढ़ें, पढ़कर भूले नहीं, और हम अपने रास्ते को निश्चित कर लें कि हमारा रास्ता जीवन का ये है। रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, पर उनको पार करना कर करके जला जाता है, वो सफलता को प्राप्त कर लेता है, परंतु जो रुक जाता है वो खत्म हो जाता है। ये है जो आज के दिन संदेश है। A word for those people who have come from abroad. I'm glad they have come. I welcome them. But about 30 years back, a young girl departed from India. Yes, hardly 17 years. With my mission, and my words were, as Ashoka sent her daughter to Sri Lanka, and she succeeded in her mission, and converted that island to Buddha's mission, the Dhamma. Dhamma was the name for Dharma in Pali language, Dhamma. And she succeeded.
And Prabhuji's mission is being sent abroad through you. Try to do the same work there. And instead of all the handicaps, instead of all the problems and difficulties, she has been doing it all. And a big success she has got. And that success, and she has brought her disciples, about 20 number, and they are all devoted to the mission of Prabhuji. They do yoga. And they love that their leader. Her name is Harish. I'm glad. But I'm not satisfied unless they give full support to her. One person can't do anything. Lanka was short. America is vast. You want many helpers, many workers, and then this mission would get a success. I challenge or I request those people who have come with her spread this Prabhuji mission with devotion. Not for selfish motives, for the public good, for the good of the people. This mission is the mission of mankind. Because body is with every person and mind is with every person. To make body healthy and make the self healthier, that's the mission. Every sect will accept, wherever you go. Everybody will accept, because no person can say that I should remain unwell. I should be healthy and healthier, everyone wishes. So, to the people who come with Harsha, I only can say, give the full support so that your mission, with your help, gets a boost and spread throughout the continent of America. Both Sajjadat Mahaprabhu Shri Ram Das Bhagwan Ki Jai. People come here from all states of America and even from the neighboring states. They come and they accept yoga. This is not a sect. This is a knowledge for the whole universe and spread it. No limit. Go anywhere and you will be accepted, but you will have to make efforts. So these are my words for you people who come from abroad. और अपने भाई बहनों से ही प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह मैंने कहा कि ये उनको सहायता दें, हम भी आपसे चाहते हैं कि आप हमें भी सहायता दें। सहायता क्या होगी भाई, हमारे जो विपरीत काम हो रहे हैं उनका विरोध करो। आज हम कहते हैं सात्विक भोजन होना चाहिए, पर विपरीत चल रहा है, नहीं राजसिक भोजन होना चाहिए।
मांस मदिरा राक्षसों का खाना है तो उसका विरोध करो। बहन और भाई विरोध करे पर वो जो आ नहीं रहा, कोई करता नहीं है। मैंने एक पंक्ति लिख रखी है, मर्द की मजाल क्या कि घर में शराब पी के आए। हिम्मत क्या कोई मर्द कर सकता है कि घर में शराब पी के आए? वो दबदबा भी तो पैदा करो। ये है जो आप में हमारी हेल्प कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं, करती कोई। गवर्नमेंट ने लाभ भी बना दिया कि अगर कुछ मर्द कहे तो भाई बतला दो, पर कौन करती है? ये भी हिम्मत चाहिए तभी सुधरेंगे ना। अंत में ये कहूंगा, ध्यान रखो, आज बिगड़ रहे हैं हम, पर बिगड़े तभी सुधरेंगे। बिगड़े बिगड़े का दारू डंडा। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु। पाठ पाठ।